हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हो भाटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आज हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हो वीडियोस की और बिना वाटरमार्क के। बहुत से एप्स एंड्रॉइड के लिए ऐसे अवेलेबल है कि जो आपको फ्री में एडिटिंग की सहूलत देते हैं, मगर आखिरी में वो उनका वाटरमार्क दे देते हैं आपके वीडियोस के ऊपर, जो कि काफी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए फिर आज देखते हैं कि फ्री में बिना वाटरमार्क के कौन सा ऐप हम यूज कर सकते हैं और प्रोफेशनल ऐप यूज कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे एंड्रॉइड फोन में। चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर देखते हैं कि हम किस तरीके से प्रोफेशनली वीडियोस एडिट कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में और कौन सा ऐप यूज़ करना है सो दैट हमें वाटरमार्क नहीं मिले। तो यहाँ पर प्ले स्टोर मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। अब प्ले स्टोर में मैंने डालना है फिल्मोरा गो। अब फिल्मोरा गो करके एक फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें काफ़ी सारे फंक्शंस आपको फ्री में अवेलेबल है। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए मैं अब इसको ओपन कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू वीडियो करके मुझे ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर मान लीजिए मुझे इस वीडियो को एडिट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करना है और देखिए स्टार्ट में ही ये बता रहा है कि आपको कितने ड्यूरेशन का चाहिए। जैसा ये पूरा वीडियो 57 सेकंड्स का है, तो यहाँ पर ही मैं स्टार्ट में ही इसको ट्रिम कर सकता हूँ कि मुझे वीडियो कहाँ से ऐड करना है। तो मान लीजिए मुझे अभी पूरा चाहिए, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये हो गया ऐड। ऐड करने के बाद मुझे प्रेस कर देना है नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, जैसा ही मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, वैसा ही मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है ऊपर, सेव वाला। तो सेव वाला हम सबसे आखिरी में देखेंगे, क्योंकि हमें अभी सेव नहीं करना, हमें एडिटिंग किस तरीके से होगी ये देखना है। तो सबसे पहले हम थीम्स की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि काफ़ी सारी थीम्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो ये थीम मतलब क्या होता है कि उसको उस तरीके से बैकग्राउंड मिल जाता है। जैसा ये देखिए, अगर मैं विंटर करता हूँ तो देखिए इस तरीके से विंटर में वो जो स्नोफ्लेक्स गिरते हैं तो वो उसको कवर हो गया, मतलब वो थीम उसको आ गई है। तो मैं अभी के लिए उसको नन कर देता हूँ। तो ये नन कर दिया मैंने अभी, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप चाहो तो कोई भी थीम इसको लगा सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट में आपको काफ़ी सारी थीम्स फ्री मिलती है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है म्यूज़िक वाला। म्यूज़िक में अगर आप आपके इस वीडियो को दूसरा कोई म्यूज़िक और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऐड प्रेस करके ऐड कर सकते हो। अभी मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आया ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन तभी अप्लीकेबल है जब आपको दो तीन क्लिप्स यूज़ करोगे आप। ये सिंगल क्लिप है इसलिए यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं लगेगा, मगर यहाँ पर लेफ्ट में देख लीजिए कि आपको कितने सारे ट्रांजिशंस अवेलेबल है। तो 5 ट्रांजिशंस आपको अवेलेबल है फ्री में। सनशाइन 5 प्रीसेट्स करके है, तो ये फ्री में अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो बाकी ट्रांजिशंस को परचेस करना तो आप आराम से कर सकते हो, मगर मुझे लगता नहीं कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये प्रीसेट्स काफ़ी अच्छे हैं ऑलरेडी ट्रांजिशन के जो यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। तो मैं अभी के लिए सेलेक्ट करता हूँ नन और इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब रही बात रेशियो एंड क्रॉप की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत से टाइम हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो का रेशियो हम कंट्रोल में कर सके। अब जैसा 16:9 ये जो रेशियो होता है, ये हमारे यूट्यूब का वीडियोज़ का होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि उसकी वीडियो की साइड्स आप कट कर दो तो यहाँ पर कट भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि कोई हिस्सा आपको ब्लर करना है तो यहाँ पे इस ऑप्शन से आप ब्लर भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से भी आप ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। अब फाइनली सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन बचता है एडिट टूल्स का। अब एडिट टूल्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट से यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन वो है ट्रिम क्लिप का। अब मान लीजिए हमें कुछ हिस्सा चाहिए और कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, तो जो हिस्सा हमें चाहिए वो हमने यहाँ पर ऐसा मान लीजिए अभी यहाँ से लेकर के अब मुझे ये वीडियो मेरा यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना ही हिस्सा चाहिए। तो देखिए मैंने वो हिस्सा जो मुझे चाहिए वो सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं कर देता हूँ इसको ओके। अब जैसा ही ओके कर दूंगा
वैसा आप देखिए वीडियो 50 कुछ सेकंड्स का था, अभी 17 सेकंड्स का ही मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर क्रॉप का, तो चलिए क्रॉप करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप इस वीडियो को अपने तरीके से क्रॉप या रिसाइज कर सकते हो अगर उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है तो अभी मुझे वो नहीं करना। यहाँ पर आप सबटाइटल्स भी देख सकते हो, जैसा मैं अगर ऐड करता हूँ तो सबटाइटल्स के मुझे काफ़ी सारे तरीके मिलते हैं, यहाँ पर प्रीसेट्स मिलते हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए अब मैं स्लाइड यूज़ करता हूँ तो देखिए ये आ गया। अब इसकी साइज़ भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको पकड़ करके यहाँ पर सबटाइटल से तो नीचे कर लेता हूँ, और इसका ड्यूरेशन भी मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, जैसा एकदम नीचे से यहाँ तक, मतलब मुझे वो सबटाइटल्स कहाँ तक चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन टू फिल्मोरा गो। अब ये मुझे करना है, इसको मैंने कर दिया ओके, और अब मुझे ये स्टार्ट से ही चाहिए और मुझे ये यहाँ तक ही चाहिए। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर ऐसा, और ये देखो सेंटर के लिए एक लाइन आ जाती है ऑटोमेटिक, तो देखिए ये सेंटर ऑटोमेटिक हो गया। अब मान लीजिए मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो देखिए ये काफ़ी सारे फॉन्ट्स मुझे अवेलेबल है फ्री में। इसका अगर मुझे जस्टिफिकेशन चेंज करना है, मतलब लेफ्ट साइड ओरिएंटेशन रखना है, मिडल रखना है, या ये करना है, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर कलर्स में भी मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दे रखे हैं, तो अब भी मुझे इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब देखिए दोस्तों मैं इसको वापस कर देता हूँ ओके, क्योंकि ये मुझे आ गया है मेरे तरीके से। अब पी आई पी मतलब क्या है कि अगर आप आपके इमेज पर चाहते हो कि दूसरा कोई इमेज यहाँ पर आपका लोगो हो या इस तरीके की कोई चीज़ हो आप डालना चाहते हो, तो देखिए मैंने यहाँ पर मेरा लोगो इस तरीके से मुझे डालना है, तो मैं कर देता हूँ अब इसको ओके। मतलब बेसिकली उसके ऊपर अगर मुझे कोई फाइल रखनी है तो मैं रख सकता हूँ। वॉइस ओवर में अगर आप कोई वीडियो है उसके ऊपर वॉइस ओवर देना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ऑडियो मिक्सर में भी आप कोई ऑडियो मिक्स करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मान लीजिए अब मुझे ये जो क्लिप है इसका जो ऑडियो है मुझे 100% ज़ीरो कर देना है, तो मैं यहाँ से एडजस्ट करके इसको ज़ीरो कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैं प्ले करता हूँ तब मुझे कोई भी ऑडियो नहीं मिलता, तो इसको मैं 100% भी कर सकता हूँ। उसके बाद अगर म्यूज़िक कोई ऐड करना है या वॉइस ओवर कुछ है उसका वॉल्यूम मुझे बढ़ाना है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं मिक्सिंग करके चेंजेस कर सकता हूँ। फिल्टर्स आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्रीसेट्स दिए हुए हैं। जैसा अगर मुझे यहाँ पर ग्रे स्केल करना है कि जैसा थोड़ा सा क्लासिक व्यू देना है वो कर सकता हूँ, और इसकी स्ट्रेंथ भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितना ग्रे चाहिए, ठीक है। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी, मुझे इसमें कोई भी चेंजेस अभी नहीं चाहिए। तो उसके बाद आता है ओवरलेस। ओवरलेस में देखिए आप आपके वीडियो के ऊपर ही एक इफ़ेक्ट दे सकते हो जिसमें इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, और उसके बाद फाइनली आप ऐड भी कर सकते हो दूसरे कोई अगर आप परचेस करना चाहते हो तो भी। तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद एलिमेंट्स, तो यहाँ पर देखिए बहुत काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपको फ्री में अवेलेबल है और आप परचेस करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। जैसा अगर मुझे हार्ट शेप चाहिए यहाँ पर तो ये एलिमेंट वहाँ पर आ जाएगा। तो ये हार्ट शेप भी वहाँ पर आ जा रहा है, तो जहाँ पर मुझे चाहिए मुझे मेरा कर्सर वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, मतलब भी मेरे टाइमलाइन को मैंने वहाँ तक लेके जाना है तभी ये काम करेगा। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई भी ओवरले नहीं चाहिए। टाइटल्स देने के लिए भी आपके पास काफ़ी सारे प्रीसेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसा देखिए ये वाला। तो देखिए आप इस तरीके से भी आपके अपने वीडियोस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने कट कर दिया। अब टाइटल्स हो गया। अब स्पीड, बहुत से वक्त क्या होता है कि हम एडिटिंग करने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ हिस्सा हमें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देना है, तो यहाँ से आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो या फास्ट भी कर सकते हो। मुझे अभी कोई चेंजेस नहीं करने। उसके बाद बहुत से वक्त क्या होता है जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग वीडियोज़ की ओरिएंटेशन, हम टुकड़ों में उसको रिकॉर्ड करते हैं तो अलग अलग वीडियोज़ की ओरिएंटेशन अलग अलग हो जाती है,
तो ये रोटेट वाला ऑप्शन हमें काफ़ी काम पड़ता है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है सारी वीडियोस को एक ही तरीके से रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप फ्लिप भी कर सकते हो आपके वीडियोस को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, या फिर रोटेट भी कर सकते हो राइट या लेफ्ट। तो अभी के लिए मेरा वीडियो एकदम सही है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब ही आपके वीडियो का ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन। मतलब आप मान लीजिए आपने अपने चेहरे की रिकॉर्डिंग की है, तो अगर आप चाहते हो कि थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ जाए आपके चेहरे की, क्योंकि लाइटिंग थोड़ी सी वीक थी, तो उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। फाइनली अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हो इस क्लिप को, तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि इसको डुप्लीकेट करूँ, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो हो गया हमारा बेसिकली पूरे के पूरे ऑप्शंस हमने रफली पूरे देख लिए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सेव करके बताता हूँ। तो चलिए मैं इसको अभी करता हूँ सेव। तो देखिए 17 सेकंड का वीडियो कितने जल्दी सेव हो रहा है, और इसमें वाटरमार्क नहीं आता, मतलब ही इसमें बाहर में एंड में फिल्मोरा गो का आएगा लोगो, क्योंकि आप वो फ्री में यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि वो फ्री वाला जो फिल्मोरा गो वाला आखिरी वाला पार्ट नहीं आए, तो आप जैसा भी वीडियो अपलोड करते हो YouTube पे, तो वैसा YouTube भी आपको ट्रिम करने का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट YouTube स्टूडियो में देता है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको बताऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सेव टू कैमरा रोल मैं करता हूँ। अब देखिए ये सेव हो गया। अब चलिए हम इसका प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमने किस तरीके का वीडियो यहाँ पर एडिट करके बनाया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का बहुत ही सुंदर वीडियो हमने 10 मिनट में बना लिया है। तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये ऐप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और आपके डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करेगी इन्हीं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की। Thank you.